hey all assalamu alaikum a very good morning everyone i hope you all are doing great and welcome back to my channel it's been raining heavily in hyderabad since last two days and do let me know in the comment section from where you're watching me and how's the weather of your city in this vlog i'll be sharing with you all how our sunday routine looks like also my sister will be visiting us in the evening and we have planned to prepare a panjeri recipe and also some of you have asked me questions regarding why do i speak in english being a muslim so i'll be answering all your questions so stay tuned till the end as it's a weekend kids are still asleep and i came into the kitchen to prepare the breakfast before that i ordered some items from blinkit so keeping them at their places usually on sundays my husband gets the south indian breakfast from a restaurant nearby but as it was raining outside so i thought to prepare breakfast at home so for that i needed some eggs and bread So here I'm preparing simple egg sandwiches for me and my husband. Kids have already requested me to prepare pancakes for them so I'll be making them later. And I would like to thank each one of you out there who commented me on my last vlog. I must say your comments gave me inspiration and also motivation to work harder. और उन सब कमेंट्स में एक दो कमेंट्स ऐसे भी थे कि आप ब्लॉग इंग्लिश में क्यों बनाती हो आप उर्दू या फिर हिंदी क्यों नहीं बोलती सो so, इसके दो मेन रीज़न्स हैं और ये रीज़न्स जानने के पहले आई वुड लाइक यू ऑल टू नो दैट वाई आई एक्चुअली स्टार्टेड ब्लॉगिंग यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालना एक्चुअली मेरा शौक है मेरे को अच्छा लगता मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वीडियो शूट करूँ फिर एडिट करूँ फिर आप सब तक पहुँचाऊँ क्योंकि जब आप दिन भर थक हार के अपना फ़ोन अपने हाथ में लेते हैं और जब आपके फ़ोन पे मेरा वीडियो पॉपअप हो रहा तो मेरे को ये होना था कि आपका टाइम ऐसे ही ज़ाया ना जाए मेरे ब्लॉग से आप कुछ ना कुछ सीखें अगर ना भी सीखें थोड़ा बहुत सुकून आप महसूस करें तो ये एक्चुअल रीज़न था मेरा ब्लॉगिंग शुरू करने का अगर आप मेरे पिछले ब्लॉग्स पे मेरे चैनल पे जाकर देखोगे तो आई हैव जस्ट पोस्टेड द साइलेंट ब्लॉग्स फर्स्ट मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट्स में सजेस्ट किया कि आप वॉइस ओवर ऐड करो तो इससे आप और अच्छे से अपने व्यूवर से कनेक्ट कर पाओगे अब वॉइस ओवर ऐड करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे एक तो हिंदी और एक इंग्लिश इंग्लिश मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है दुनिया के हर कोने में हर कोई इंग्लिश जानता है मैं इंग्लिश में वॉइस ओवर ऐड करना इसलिए भी प्रिफर करा क्योंकि मेरा स्लैंड थोड़ा अलग है स्लैंड का मतलब आ, मैं बात करूँगा तो बात करूँगा करूँगी नहीं इससे आप समझ लीजिए अब इसके पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी है आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू ऑल एट ऑल बचपन से हमारे ननियाल हो या फिर ददियाल हो हमारी एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी और ज़्यादातर हमारे कजिन्स ब्रदर्स ही थे और उन लोगों के साथ रहते रहते शायद हम लोग उन लोगों का लैंग्वेज अडोप्ट कर लिए और जानते मेरे को याद है या फिर मुझे अकल आई है हम सब ऐसे ही बात कर रहे हैं और मेरे फैमिली में कभी भी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं करे इवन आफ्टर मैरिज मेरे ससुराल वाले भी इस पर कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे बट देन क्योंकि हम लोग अब सोशल मीडिया पर है और पीपल स्टार्ट जजिंग यू विदाउट नोइंग अबाउट यू सो मेरे को एक डर था कि कहीं ना कहीं लोग मुझे इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करेंगे और आप ही सोचो मेरे ब्लॉग पे हर बार हर वीडियो पर कम से कम एक डेढ़ हजार यूनिक व्यूवर्स आते हैं और उन सबको मैं हर बार ये समझाते जाऊँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सो so, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जी बात करते बात करते हमारे पैनकेक्स बनाने का भी टाइम आ गया सो आई शेयर द रेसिपी फर्स्ट पैनकेक्स बनाने के लिए एक ग्राइंडर जार में मैंने एक कप गेहूं का आटा डाला है उसके साथ ही एक बनाना कुछ खजूर और बादाम चार पाँच होंगे वो मैंने रात में ही दूध में भिगा के रख दिया था वो भी डाल दिया है यहाँ पर उसके साथ ही मैंने एक अंडा इसमें डाला है एक कप गेहूँ के आटे के लिए एक कप दूध जाएगा और लास्ट में वन टीस्पून भर के मैंने इसमें वनीला लसेंस का डाला है अब इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से पेस्ट बना लेना है और एक चम्मच की मदद से एक एक पैनकेक बनाते जाना है क्योंकि हम ये गेहूं के आटे से बना रहे हैं इस पर उतने सारे बबल्स नहीं आते ऊपर जितना नॉर्मल मैदे के आटे के पैनकेक्स पे आते सो so, एक दो मिनट के बाद इसे अच्छे से पलट दीजिएगा और दूसरी तरफ भी दो से तीन मिनट के लिए पका के इस, इसको एक प्लेट पे डिश आउट कर लीजिएगा ये एक हेल्दी ऑप्शन है अगर आप इसे हनी के साथ सर्व करोगे तो ये बहुत बजे के बनते हैं अगर आपको नाश्ते में मीठा अच्छा लगता है देन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि संडे के दिन बच्चे घर में रहते और मेरे को थोड़ा बहुत उन लोगों के लिए स्पेशल एफर्ट्स करना अच्छा लगता सो दैट द किड्स फील दैट दैर मदर इज़ डूइंग समथिंग स्पेशल टू दैम नाश्ता करने के बाद हम सब फ़्रेश हो गए और यहाँ पे मैं अपनी बेटी के बाल बना रहा था यहाँ पे दोनों बच्चे अपना रूम साफ कर रहे थे सो मैंने सोचा कि मैं आप सब के लिए शूट कर लूँ मेरे दोनों बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसा क्लिनलीनेस प्रिफ़र करते मेरे को लगता है कि बच्चे सुनने से ज़्यादा देख के चीज़ें सीखते हैं जब मैं रोज़ अपना घर क्लीन करता हूँ तो मुझे वो देखते हैं और वो चीज़ें वो ग्रास्प कर लेते हैं आई थिंक ये क्वालिटी सभी बच्चों में होती है बचपन से सो so बजाय इसके कि आप उन्हें डांट कर या फिर उनसे कह कर उनका काम कराए इससे अच्छा है कि आप खुद काम करते रहिएगा तो एक ना एक दिन वो लोग आपको देख ज़रूर सीखेंगे यहाँ पे मेरे बेटे ने कुछ ड्राॅइंग्स बनाई हैं उसके और उसके कज़िन्स के नेम्स की सो so, वो दिखाना चाह रहा था सो आई शॉट दैट टू बच्चों के रूम की सफाई करने के बाद आ, मैं फिर किचन में आ गया क्योंकि मेरे दीदी आ रहे थे शाम में सो आई वॉन्टेड टू क्लीन द किचन बिफोर केम अब आते हैं अपनी पहले की स्टोरी पे, तो मैंने सब कुछ आप लोगों के सामने बग़ैर कुछ छुपाए रख दिया है तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कि शुड आई स्पीक इन इंग्लिश और शुड आई कंटिन्यू इन हिंदी बस YouTube के लिए मैं अपने आप को बदलूं और अपनी ज़ुबान बदल के बात करूं आई विल नॉट एट ऑल फील कम्फर्टेबल इन दैट एंड मुझे ये भी पता है ये एज सच कोई बिग इशू नहीं है यहाँ पे हैदराबाद में ही हर दूसरे घर में ऐसी लैंग्वेज बोलना कॉमन है बट दैन जब आप YouTube पे हो तो आपके व्यूवर्स के नीड्स का ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी होती तो मुझे लगा कि इस पॉइंट पे आप सबसे ये शेयर करना ज़रूरी है सो so रेस्ट आप सब पे डिपेंड करता डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग क्या चाहते हो कि मैं कौन सी लैंग्वेज में ब्लॉगिंग करूँ और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी आपके कमेंट्स पे ही डिपेंड करेगा जी आते हैं पंजीरी की तरफ एक्चुअली मेरे दीदी आ गए थे शाम में और जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने अपने हस्बैंड से कहक मंगवाया था अब दीदी एक एक करके सारे प्लेट्स में पूरे चीज़ें निकाल ले रहे थे तो पंजीरी के लिए हमने आधा किलो बादाम लिया है आधा किलो बादाम के लिए बाकी सारी चीज़ें आपको टू फिफ्टी ग्राम्स लेना है जैसे कि कैशो नट्स पिस्ता ड्राई डेट्स यहाँ पे गोंद और चार मगज और फूल मखाने ये सारे आपको टू फिफ्टी ग्राम्स लेना है अब टू फिफ्टी ग्राम ही हम लोग सेमोलिना भी डालेंगे इसमें और उसके साथ जायगरी मिठास के लिए जितनी भी ज़रूरत के हिसाब से लगेगा उतना डालते जाएंगे एट द लास्ट आई टेल यू हाउ मच जागरी डी बी यूज अब एक पैन में दीदी ने अच्छे से दो चम्मच भर के घी डाला है और एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके उनको अलग रख दे गए आपको ड्राई फ्रूट्स कुछ इस तरह से फ़्राई करना है कि आप इन इन्हें ज़्यादा ही कच्चा ना छोड़ें और ज़्यादा ही कुछ फ्राई ना कर दें कि ये जल ही जाए आपको इस ड्राई फ्रूट्स को मीडियम फ्लेम पर रख के स्लोली पकाना है आ, ताकि वो क्रंची हो जाए और जब आप मुँह में डालें वो एक क्रंच आप महसूस करें जब तक इन्हें आपको फ्राई करना है अब पंजीरी बनाने का हर किसी का अलग अंदाज रहता है तो ये हमारा वे ऑफ मेकिंग है सो अगर आप कुछ इससे अलग बनाते हैं और आपकी कोई अलग रेसिपी है तो ज़रूर हम लोग से कमेंट में शेयर करिएगा आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू ऑल एक्चुअली ये पंजीरी हम सबके लिए बना रहे थे ऐसा कोई रीज़न नहीं है किसी के लिए बनाने के लिए क्योंकि विंटर सीजन है और बच्चे चुप बीमार पड़ते और बड़ों के लिए भी जिसे बैक इश्यूज़ है बैक uh, में पेन रहता जैसे कि मेरी तरह तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और आई एम थैंकफुल टू माई सिस्टर फॉर कमिंग ओवर हियर एंड मेकिंग दिस फॉर मी अब यहाँ पे हम लोग गोंद फ्राई कर रहे हैं और ये हम लोग आधा आधा क्वांटिटी करके फ्राई कर रहे हैं क्योंकि एक साथ ये पैन में नहीं फ्राई होगा और आपको इसे अच्छे से फ्राई करना है क्योंकि अगर ये कच्चा रह जाएगा या ना तो ग्राइंडर में ग्राइंड होगा और फिर आपके दांतों में भी चिपकेगा उसी तरह से फूल मखाने भी हमने आधे आधे करके फ्राई किया है आपने फूल मखानों को भी अच्छे से फ्राई करना है या फिर भून लेना है क्योंकि अगर वो कच्चे रह जाएंगे तो वो बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं होंगे सबसे आखिर में हमने रवे को घी में भून लेना है आपको शमोली ना को घी में जब तक भूनना होगा तब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए नहीं तो फिर ये कच्चा रह जाएगा और आपके दांतों में ज़रूर अटकेगा अब बारी आती है इन सब ड्राई फ्रूट्स को पीस लेने की तो मेरे दीदी क्या कर रहे थे उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके ड्राई फ्रूट्स पीस ले रहे थे उनो एक साथ नहीं डाल दे रहे थे क्योंकि फिर वो सही ग्राइंड नहीं होंगे तो हमने यहाँ पर बड़ा कांच का बर्तन ले लिया है और एक एक करके एक एक ड्राई फ्रूट पीस के उसमें डाल दे गए यहाँ पे जो चार मगज़ है उन्हें हम लोगों को ज़्यादा ग्राइंडर में नहीं चलाना है बस एक से दो बार आप इसे चला लें तो ये अच्छा पाउडर बन जाएगा आ, देख लीजिएगा अगर कोई भी चीज़ अच्छे से फ्राई नहीं होगी तो इस तरह से पाउडर नहीं बनेगी सो मेक श्योर करें जब आप ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर रहे हैं या फिर रोस्ट कर रहे हैं तो अच्छे से आराम से पेशेंस से उसे फ्राई करें अगर आप जल्दी करोगे तो फिर ये आपकी पंजीरी अच्छे से नहीं बनेगी तो सबसे लास्ट में आप लोग ने देखा होगा हमने यहाँ पर सौंफ को एक पैन में अच्छे से भून के फिर उसका पाउडर बना के डाले यहाँ पे उसके साथ ही मेरे दीदी ने तीन से चार टेबलस्पून स्पून भर के उसमें इलायची का पाउडर डाल दिए और जो रवा हमने भुन के रखा था वो भी इसमें डाल दिए अब मीठे के लिए हम लोग ने जायरी पाउडर लिया है अगर आप चाहो तो आप इसमें शक्कर जो है उसे पीस कर भी डाल सकते हो हम लोग ने एक कप के करीब इसमें अब जायगरी पाउडर डाला है पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर हमें दिखा कि हम लोग को मीठा और चाहिए फिर हम ऐड कर लेंगे इन आ, सारी पंजीरी के लिए हमको आ, तकरीबन टू फिफ्टी ग्राम्स यानी पाओ किलो के जितना आ, जैगरी पाउडर लगा और सबसे आखिर में हमने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अलग से निकाल के रख दिए थे गार्निशिंग के लिए वो ऐड कर दिए और इस टाइम पे मेरे किचन में जो खुशबू आ रही थी वो मैं आप लोगों को बोल के बता भी नहीं सकता डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप सबकी कैसे बनी आई uh, prepared बिरयानी फ़ॉर माई सिस्टर्स फैमिली क्योंकि आज संडे भी था बिरयानी बनना तो uh, लाजमी था तो हमने फिर दस्तरखान बिछाया और uh, अच्छे से अपनी बिरयानी इन्जॉय की जब तक मैं और मेरे दीदी बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो आई did नॉट शूट एनी थिंग मच एंड ये नेक्स्ट डे का क्लिप है मैंने रात में ही पंजीरी जो है वो दो इक्वल क्वान्टिटीज़ में ए टाइट कंटेनर्स में डाल के रख दिया था तो uh, एक बॉक्स जो है मैं वो फ्रिज में रख दूंगा सो दैट वी कैन यूज़ इट और एक बॉक्स जो है मैं वैसे ही बाहर रख दूंगा सो दैट वी कैन हैव इट ऑन डेली बेसिस अभी पंजरी आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते यू कैन हैव इट जस्ट एज इट इज़ या फिर आप अपने बच्चों को इसे दूध में मिलाकर दे सकते हो या फिर अपने डेली ओट्स पॉलिश में इसे डाल सकते हो या फिर मिल्क शेक जैसे भी आप यूज़ करना है इसे यूज़ कर सकते हो सो दिस वॉज इट फॉर टूडे एल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट